ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो इसमें आपको काइट का डायग्राम बनाना है जिसमें आपके एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर करते हैं, ठीक है, पर वो पैरेललोग्राम नहीं होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इसमें एडजेसेंट एंगल उन्होंने 3:2 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एडजेसेंट एंगल को हम मान लेंगे 3x और 2x। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द 2 एडजेसेंट एंगल बी एंगल्स बी 3x एंड 2x। दो एडजेसेंट एंगल हो होती तो उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 एडजेसेंट एंगल सम इज सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल के सम सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने 7th में पढ़ा है। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों से एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाता है 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में x के साथ तो यहाँ जाके अपॉन में आ जाएगा। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 बचा तो 5 6 जा 30। ये x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 36 डिग्री। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, इसलिए मैं पहले ही लिख देती हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। अब एंगल ए की वैल्यू 3x थी, तो 3 × 36 डिग्री हो जाएगा कितना हमारे पास, 108 डिग्री। और ऐसे ही एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 × 36 डिग्री इक्वल्स टू मतलब 72 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हमको एंगल्स ही निकालने थे पैरेललोग्राम के, जो हम निकाल चुके हैं, एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, ठीक है।